बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं गुलाम हैदर। जो बेटे जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 है बेटे जी। बेटे जो आज हम पढ़ेंगे वो है बेसिक ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटे इसके क्वेश्चन नंबर तकरीबन है 13 है और बेटे सारे के सारे ही इजी हैं, इनमें कोई तो मुश्किल वाली बात नहीं है। बेटे देखें, इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको चार बातें बताता हूँ, अगर आपने उन चार बातों को याद रख लिया तो आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल इजी हो जाएगी। कि बेटे देखें, पहली बात तो ये है कि आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स याद रखने हैं। क्या रूल्स या मैथड? क्या करना बेटे? रूल्स या मेथड को याद रखना है। बेटे जो पहला रूल इसका ये है, आपने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। जी बेटे, फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने इनका लेना है एलसीएम। टेक एलसीएम। नंबर थ्री बेटे, एलसीएम लेने के बाद आपने इनको करना है सिंपलीफाई। और नंबर फोर भी बेटा, आपने इसका निकालना है आंसर। लो जी बेटे, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझो आपकी सॉल्व होगी। इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में बेटे आपने ये चार काम करते जाने हैं और आपके जो क्वेश्चन है सॉल्व होते जाएंगे बस। जी बेटे, अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने की। तो बेटे जो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने लगा हूं वो है, पहले ही करते हैं, पहले रीडिंग करते हैं। सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल एक्सप्रेशन। वो कहता है यहां पर दिए गए हर सवाल को हमने सिंपलीफाई करना है एक रैशनल एक्सप्रेशन की सूरत में। जो पहला क्वेश्चन लिखे वो कहता है कि एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स ओवर है एक्स का स्क्वायर माइनस नाइन प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस के 25 ओवर है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के 12। ये बेटे हमारे पास है क्वेश्चन। अब हमने करना ये है, इसकी हमने जो पहले बात क्या है फैक्टराइजेशन करनी है, एलसीएम लेना है और क्या करना है सिंपलीफाई करना है, और जो नंबर पर हमारा आंसर आ जाएगा। ये बेटे देखें, फिर इसको हम सोल्व करें, इसको इस तरह से करेंगे बेटे। पहले मैंने कहा था इसका लेना है फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है और इसकी भी करनी है। बट फैक्टराइजेशन करने का जो तरीका कार है वो जो समझ लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, बट इसके जो शुरू में जो यहां पर कोएफिशिएंट होता है जिसके साथ कुछ ना हो वो 1 होता है इसको, और जो आखिर में होता है ये, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। और ये भी चीज ध्यान में रखनी है, इसके साथ कौन सा साइन है प्लस का या माइनस का है, और इसके साथ कौन सा साइन है प्लस या माइनस का, इनको भी दोनों में मल्टीप्लाई करना है। देखिए बेटे, ये है एक्स का स्क्वायर, ये है माइनस सिक्स, अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है माइनस सिक्स एक्स का स्क्वायर। जी बेटे, अब मैंने इस 6x² के दो पेयर ऐसे बनाने हैं, दो टुकड़े ऐसे बनाने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाए जो इन दोनों के आ जाए, और अगर हम उन दोनों को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाए, सॉरी प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाली चीज आ जाए। ठीक है बेटे, अब अपने इसके करने हैं फैक्टराइजेशन, तो कैसे करते हैं बेटे? जब अपने फैक्टर करने हैं तो इसको आप हाइड कर लें, बताता हूं।
सिक्स क्या बेटे, कैसे पेयर बनेंगे? ये है, इसको मैं करता तो बेटे ये माइनस का थ्री और ये प्लस का टू। देखें बेटे, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 तो है, प्लस माइनस माइनस 6 भी है, और अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 1 बचेगा। ये एक्स कस गया रहा है तो हम इधर भी ये एक्स डाल दें और ये इधर भी हम एक्स डाल दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3x और -2 है। तो देखिए बेटे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये है एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे, ये माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस के 6। बेटे परेशान बिल्कुल नहीं होना, इसकी जगह मैंने ये दरमियान वाले दो पेयर लिख दिया। अगर देखें तो ये -3x और प्लस का 2x माइनस का x ही बचा है वैसे के वैसे, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं की। अब बेटे अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे है x का स्क्वायर -9, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। और आपको ये भी पता, फार्मूले का पता बेटे, कि ए का स्क्वायर हो -b का स्क्वायर हो तो उसे हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं। तो यहां पर भी देखें बेटे ये क्या है, इसको समझिए, ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है और दरमियान में है माइनस, क्या है बेटे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बेटे जो हमारे पास जो इसके फैक्टर्स बन गए एक्स माइनस एक्स एक्स का स्क्वायर -9 के एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये बन गए एक्स प्लस 3 और इनटू एक्स माइनस 3। ये बेटे दरमियान में प्लस का निशान वैसे का वैसे। ये बेटे अगर हम इसकी बात करें एक्स का स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 24, इनकी बेटे हमने करनी है फैक्टराइजेशन। हस्बे मामूल जैसे मैंने आपको अभी बनाई है फैक्टराइजेशन, क्या के पहले और आखिरी को करना है मल्टीप्लाई। क्या कहा बेटे मैंने, पहले और आखिरी को करना है मल्टीप्लाई। तो देखते हैं, ये है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये है माइनस के 24, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे माइनस के 24 और ये एक्स का स्क्वायर। पहले की तरह बेटे इसके दो पेयर या दो फैक्टर या दो जोड़े या दो टुकड़े ऐसे बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो इनकी दरमियान वाली टर्म है जो कि 2x है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो यही है -24x का स्क्वायर जो कि हमारे इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। बेटे अगर हम इसके करें, इसको मैं लिख सकता हूँ ये प्लस का 6x और ये माइनस का 4x। देखिए बेटे अगर हम प्लस के 6x और 6 4 था 24 तो बनता है, प्लस माइनस माइनस भी साथ में बनता है, लेकिन अगर हम प्लस के 6 करें और माइनस के 4 करें 4x करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है प्लस का 2x। तो अगर देखें इसको मैं कैसे रिप्लेस करता हूँ, ये बेटे ये x का स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस का 6x, ये माइनस का 4x और ये माइनस के 24। ये तो बेटे मैंने ऊपर वाले के पेयर बन गए, अब नीचे वाले के पेयर बना ले बेटे। जी बेटे, हाँ बेटे मेरे ख्याल है आपको समझ आ गई हो कि मेरा ख्याल है। अब इसके पेयर्स बनाए कैसे बनाएंगे, पहले और आखिरी को कर ले मल्टीप्लाई। तो बेटे क्या होता है पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करने से, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 12 है, ये आएगा माइनस का 12x का स्क्वायर। जी बेटे, फिर वही पुरानी बात, दो पेयर ऐसे बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो यही है, और उनको प्लस या माइनस करें तो वही है जो इनके दरमियान में है। पर इसके मैं पेयर बना रहा हूं ये माइनस के 4x और ये प्लस का 3x। तो देखिए बेटे अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो ये आता है -12x का स्क्वायर, और प्लस माइनस करें तो यहां से बचता है माइनस के 4x है, प्लस का 3x है, तो माइनस के x बचेगा। तो देखते हैं बेटे इसकी जगह मैं रिप्लेस कर रही है एक्स का स्क्वायर भी वैसे का वैसे लिखना है,
और आखिरी जो -12 है उसको भी वैसे का वैसे ही लिखना होता है। और ये जो -x है इसकी जगह पे क्या आपने लिखना है, -k4x और ये +k3x। जी बेटे, अभी तक हमारी फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ। अगला स्टेप बेटे आपने करना ये है, इन दो में से कॉमन लेना है, इन दो में से लेना है, इसी तरीके से इन दो में से लेना है और इन दो में से लेना है, सेम वे इस यहां से भी लेना है और यहां से भी लेना है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं। इन यहां से देखें तो यहां से बेटे कॉमन आ रहा है एक्स, जो कि एक्स माइनस 3 बच जाएगा। और अगर हम आगे देखें तो यहां से बेटे कॉमन आ रहा है 2, ये बच जाएगा एक्स माइनस 3। और नीचे देखें बेटे तो ये एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 ऑलरेडी है। इन दोनों में से बेटे कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स, जो क्या बच जाएगा एक्स प्लस 6 बाकी बच जाएगा। इन दो में से देखिए बेटे कॉमन, इन दो में से बेटे जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 4, जो कि ये एक्स प्लस 6 हो जाएगा। क्यों बेटे, जब ये मैंने -4 कॉमन ले लिया तो माइनस जब अंदर कॉमन आएगा ये बहनी का निकल आएगा, तो ये अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो कि ये पहले यहां पर माइनस है तो अब यहां पर प्लस हो जाएगा। तो नीचे देखे बेटे, इन दोनों में से कॉमन लेना है, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x में से क्या चीज कॉमन आ रही है, एक्स कॉमन आ रहा है तो ये एक्स माइनस 4 बच जाएगा। अगले से क्या चीज कॉमन आ रही है बेटे, 3 कॉमन आ रहा है तो ये बेटे आ जाएगा, सॉरी ये प्लस का 3 है, ये 3 आ रहा है तो ये एक्स माइनस 4 आ जाएगा। बेटे एक चीज आपने नोट करनी है, कॉमन लेने के बाद अगर आपकी ये वाली टर्म्स ये वाली टर्म या ये वाली टर्म अगर सेम आ जाए तो आप समझ लें कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है, अदरवाइज ये गलत होगी। नेक्स्ट स्टेप हमने करना बेटे ये है, जो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 ये जो सेम है ना, इसको एक मरतबा लिखते हैं, ये एक्स माइनस 3 आ गया और ये एक्स और ये प्लस 2 गए, इनको एक पेयर में अलग करके लिखते हैं, जो कि एक्स प्लस 2 आ गया। नीचे देखें क्या होता है, ये आता है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये बेटे ये आ गया प्लस। इसी तरीके से ये एक्स प्लस 6 बेटे सेम है, इसको एक मतलब लिख लेते हैं, ये एक्स प्लस 6 हो गया और ये एक्स और ये माइनस 4 को एक पेयर में लिख दें, ये बन जाएगा एक्स माइनस 4। तो नीचे आ जाए बेटे, ये एक्स माइनस 4 ये भी सेम है, तो इसको हम एक्स माइनस 4 को एक स्टेप में लिखेंगे और ये एक्स और ये प्लस का 3 इसको एक स्टेप में लिख लेंगे। अब बेटे देखें ये एक्स माइनस 3 ये एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये बाकी बात जाएगा एक्स प्लस 2 और ये है एक्स प्लस 3, दरमियान में ये प्लस है बेटे, यहां से ये एक्स माइनस 4 ये भी हो रहा है कैंसल, तो ये आप बच जाएगा एक्स प्लस 6 और नीचे बच जाएगा एक्स प्लस 3। तो बेटे दूसरे स्टेप में हम आते हैं, दूसरे स्टेप में हमने कहा था बेटे ये जो सारा स्टेप था ये अभी तक स्टेप था फैक्टराइजेशन का, अब हम दूसरा स्टेप कर रहे हैं किसका, एलसीएम का। तो एलसीएम लेते हैं, जब हम एलसीएम लेते हैं तो देखें बेटे ये एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3, अगर बेटे क्या ये वाली और ये वाली टर्म सेम है, अगर दो या दो से ज्यादा टर्म्स होंगी या एक से भी ज्यादा होंगी या दो ही होंगी, तो चाहे जितनी मर्जी सेम टर्म्स हो, लेकिन एलसीएम में वो एक ही बार लिखी जाएगी। देखते हैं बेटे, तो इन दोनों का बेटे जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स माइनस 3। एलसीएम को कैसे करते हैं, जो एलसीएम आता है ना उसको हम नीचे वाले डिजिट के साथ करते हैं डिवाइड, एलसीएम को जो आता है नीचे वाले डिजिट के साथ करते हैं डिवाइड, जो उनका आंसर आ गया उसको ऊपर वाले के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। सो जरा देखिए बेटे, हम रस में करें तो मैंने कहा है नीचे वाले डिजिट के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 3 और ये एक्स प्लस 3। बेटे ये मैं रस में आपको बता रहा हूं, मल्टीप्लाई को नीचे एलसीएम को नीचे वाले के साथ करना है डिवाइड। तो देखते हैं एक्स माइनस 3 को डिवाइड किया एक्स माइनस 3 पर, तो ये डिवाइड करने का बेटे आंसर आ गया हमारे पास 1। अब जो 1 इंच का जो आंसर आया है
उसको ऊपर वाले के साथ करना है मल्टीप्लाई। जब हम 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 2 आ जाएगा, दरमियान बेटे ये प्लस वैसे का वैसे। एक बेटे इसी तरीके से इसको भी इस पे करना है डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड। जब हम डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 x प्लस 3 से वैसे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। 1 को ऊपर वाले के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ये बेटे आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू एक्स प्लस 6, जो कि 1 को हम लिखते नहीं है, ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे हमारे पास आंसर वही का वही आएगा, इसलिए ये मैंने इसको अरेंज कर दिया। ये बेटे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक्स प्लस का है और ये भी एक्स प्लस का, कितना हो गया? ये हो गया 2x, और ये भी बेटे क्या है, ये 2 है और ये 6 है, तो ये बेटे क्या बन गया? 8 बन गया, और नीचे हमारे पास जो आंसर है वो x प्लस 3 है। तो बेटे ये आंसर आ गया। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, ऊपर से 2 लेने कॉमन तो x प्लस 4 आ जाएगा, और जो नीचे है वो आ रहा है x प्लस 3। बेटे आप इसको यहां तक करेंगे, यहां तक करेंगे आपको दोनों सूरतों में आंसर ठीक ही आएगा, तो ये बेटे आपका आंसर है। तो बेटे ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा वजाहत समझा दिया। तो नेक्स्ट टाइम जो अगले क्वेश्चन करेंगे वो मैं थोड़ी वो देखते हैं क्या है। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4x ओवर एक्स की 4 माइनस 1। बेटे ये हमारा क्वेश्चन, इसको हम करते हैं सोल्व। तो एक तरीका तो ये है कि आप इन चारों का इकट्ठा एलसीएम लेके सोल्व कर दें, लेकिन इस तरह से थोड़ा क्वेश्चन हो जाएगा मुश्किल। तो हम करते हैं ये है कि पहले इन दोनों के एलसीएम लेते हैं, जो इसका आंसर आएगा फिर इसके साथ एलसीएम लेंगे, और जो इसका आंसर आएगा फिर इसके साथ एलसीएम लेंगे और हमारा सोल्व कर लेंगे। तो बेटे जो मैंने पहले कहा था कि हमने चार स्टेप्स में करनी है फैक्टराइजेशन, लेकिन यहाँ तो फैक्टराइजेशन क्योंकि ये चारों के चारों सिंपल है तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं होगी बल्कि हम फैक्टर लेते हैं एलसीएम। तो देखते हैं बेटे जब हम इन दोनों के एलसीएम ये सोल्व कर दें। देखिए जब हम इन कैल्शियम लेंगे x माइनस 1 का, ये x माइनस 1 और x प्लस 1 का, तो यही आएगा आगे बेटे ये 4x ओवर ये x का स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे, ये प्लस का 4x ओवर x की 4 माइनस 1 बेटे, ये भी वैसे का वैसे ही आएगा। जी बेटे देखें मैंने कहा था जो एलसीएम है उस पर इसको डिवाइड करते हैं और जो बच जाए ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटे जब हम डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 से हो गया कैंसिल, बाकी क्या बचा? x प्लस 1, ऊपर भी एक x प्लस 1 है, तो ये x प्लस 1 ये क्योंकि दो बार है ये स्क्वायर बन जाएगा, दरमियान में आ गया माइनस, ये x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा? x माइनस 1 ये भी होल का स्क्वायर बन जाएगा। जी बेटे हम इसको आगे सोल्व करें। बेटे इसके फार्मूले को खोल दें, आपको पता है जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और जो a माइनस बी होल का स्क्वायर होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर जो x है वो a है और जो 1 है वो b है, तो खोल दे देंगे a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। इसी तरह से ये ऐसे हो गया, ये दरमियान में माइनस, इसको भी खोल दें x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। नीचे क्या है बेटे? नीचे है x माइनस 1 और ये x प्लस 1, ये माइनस 4x ओवर x का स्क्वायर प्लस 1, ये बेटे वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास। अब बेटे आप इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वैसे का वैसे, ये माइनस x का स्क्वायर पहले माइनस का x है अब 2x बन जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 1 बन जाएगा। जी बेटे ये क्या है, माइनस का 4x ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा,
जी बेटे देखिए, तो बेटे ये एक्स का स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, ये भी कैंसिल हो गया बेटे। तो यहाँ पर क्या बच गया, टू एक्स और टू है। अच्छा बेटे, तो ये एक्स प्लस वन है और ये एक्स माइनस वन है, इसको बेटे मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस वन। क्यों बेटे, आपको पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बेटे, ठीक है। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी को मैंने लिख दिया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी को मैंने लिख दिया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो बी का स्क्वायर यहाँ पर वन ने लिया था वन का वन ही रहेगा। लेकिन आगे देखें तो बेटे ये क्या बन गया, टू एक्स और टू एक्स ये बन गया फोर एक्स, और नीचे क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस का फोर एक्स, ये है एक्स का स्क्वायर प्लस वन, ये वैसे का वैसे। और बेटे ये जो बाहर वाला ये दोस्त है कैसे जलता आ रहा है ना, ये फोर एक्स ओवर एक्स की फोर माइनस वन, ये प्लस फोर एक्स और ये एक्स की फोर माइनस वन प्लस ये फोर एक्स ओवर एक्स की फोर माइनस वन। जी बेटे, अब हम इन दोनों के एलसीएम लेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस वन और ये एक्स का स्क्वायर प्लस वन, तो बेटे ये एलसीएम ये दोनों आ जाएंगे, ये एक्स का स्क्वायर प्लस वन और ये एक्स का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है बेटे। अब फिर वही बात, इस नीचे वाले फैक्टर को इन दोनों पे करना है डिवाइड, जब हम डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस वन से हो जाएगा कैंसल, तो बाकी जो बात जाएगा ये फोर एक्स तो पहले से मौजूद है, ये एक्स का स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा, ये दरमियान में माइनस वैसे के बाद है। अब बेटे देखें, फिर जब इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम इन दोनों पे डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस वन एक्स का स्क्वायर प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वन, तो ये फोर एक्स अंदर बच जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है बेटे। तो जो बाहर है वो है फोर एक्स इंटू एक्स की फोर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है बेटे। अगर हम इनको मजीद आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फोर एक्स का क्यूब प्लस का फोर एक्स, ये माइनस फोर एक्स का क्यूब और ये प्लस का फोर एक्स। नीचे बेटे क्या है, नीचे हमारे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस वन और ये है एक्स का स्क्वायर माइनस वन, और आगे वैसे क्या है प्लस का फोर एक्स ओवर एक्स की फोर माइनस का वन। जी बेटे, अगर हम इसको देखें जी बेटे, ये फोर एक्स का क्यूब फोर एक्स का क्यूब, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, फोर एक्स और फोर एक्स क्या हो गया, ये हो गया बेटे एट एक्स। और नीचे देखें ये एक्स का स्क्वायर प्लस वन है और ये एक्स का स्क्वायर माइनस वन है, ये वही बात है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर एक्स की फोर माइनस वन, और आ गया है बेटे प्लस का फोर एक्स और है एक्स की फोर माइनस वन, ये एक्स की फोर माइनस वन, ये बेटे वही फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब बेटे इन दोनों का एलसीएम ले लें, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये एक्स की फोर माइनस वन इंटू एक्स की फोर प्लस वन आ जाएगा। जी बेटे, फिर इसको इस पे डिवाइड करें एक्स की फोर माइनस वन एक्स की फोर माइनस वन हो जाएगा कैंसिल, तो जो ऊपर बच जाएगा वो बच जाएगा एट एक्स और अंदर बच जाएगा एक्स की फोर प्लस वन, ये दरमियान में प्लस, ये एक्स की फोर माइनस वन एक्स की फोर माइनस वन इनसे कैंसिल बच जाएगा होगा, अंदर बच जाएगा फोर एक्स इंटू, तो ये माइनस वाला कैंसिल हो गया तो प्लस का आ गया, अब माइनस वाला कैंसिल होगा,
कैंस प्लस का है, ये नंबर प्लस होगा मेरे ख्याल है जी। तो ये क्या बेटे बच जाएगा, इसका 4 है। हाँ सो बेटे, वो हम थोड़ी गलती हो रही थी, वो ये थी कि ये x माइनस फोर, x की 4 माइनस 1 और ये x की 4 माइनस 1 ये बराबर है, तो ये x ये कैंसिल हो जाएगा, x की 4 माइनस 1 आ जाएगा, तो इससे कैंसिल हो गया, तो बाकी बच गया 8x प्लस 4x। तो ये बेटे हमारे पास 8 और 4 के होते 12x, ओवर आंसर आ जाएगा बेटे x की 4 माइनस 1, तो ये बेटे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटे जो अगला आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद से ट्राई करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा देता हूँ। ये बेटे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 2 x प्लस 3 ओवर है x² - 9 और x + 2 ओवर x - 4 इनटू है 2x² - 32 और नीचे है x² - x और माइनस का 6 x+2। ये जिनको ब्रैकेट में बंद करते हैं, x+2 x-4 x² - 32 x² - 6। ये बेटे ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4, इसको अब हम करते हैं सोल्व। ये सोल्व करने के मुताबिक जो पहला स्टेप मैंने आपको कहा था बेटे, इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। तो ये x+2 x+3 ये जो बेटे आएगा वैसे का वैसे की फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, और ये जो बेटे x² + 9 इसको मैं लिख सकता हूँ x+3 x-3। एक बार प्लस में एक बार माइनस में बेटे, ये जो है ये x+2 ये भी वैसे का वैसे। जी बेटे अगर हम यहाँ पर देखें बेटे, तो यहाँ पर जो क्या आ रहा है 2x² है, ये है -32। यहाँ बेटे अगर हम देखें, यहाँ पर जो 2 दोनों में आ रहा है कॉमन, तो 2 आप लेने यहाँ पे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा x² - 16। जो जो 2 कॉमन लिया बेटे, वो मैं यहाँ कार्ड में लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाए बेटे, ये क्या है, ये है x-4। अब इधर की बात करें बेटे, इसके आप बना लें फैक्टर, जैसे हम हाथ से मूल बनाते आएंगे। ये x² है, -x और -का 6 है, तो अब x² और -6 को मल्टीप्लाई देंगे, तो बेटे ये बन जाएगा -6x², तो ये बन जाएगा बेटे -3x और +2x। ये x² - 3x +2x - 6। ठीक है बेटे, आगे हम इसको मजीद सॉल्व करें, तो ये बेटे x + 3 x + 3 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा x+2 ओवर x - 3 प्लस ये 2 वैसे के वैसे, ये x+2 वैसे के वैसे। देखे बेटे ये क्या है, x² - 16, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये x² - 4² 16 को लिख दिया। नीचे आ जाए बेटे, नीचे क्या है, ये x-4 है, इनटू इन दोनों में से बेटे कौन सा कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा x-3, x कॉमन ले लिया। अगले बेटे क्या कॉमन आ रहा है, +2 कॉमन आ रहा है, तो ये x-3 बन जाएगा। तो ये बेटे क्या है, ये x+2 और ये x-3 प्लस ये 2 वैसे का वैसे,
एक्स प्लस टू वैसे का वैसे, ये बेटे ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, चौथा फार्मूला। ए का स्क्वायर हो माइनस बी का स्क्वायर हो, उसको हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ बेटे वही करना ही है, एक बार एक्स प्लस फोर आ जाएगा और दूसरी बार ये एक्स माइनस फोर आ जाएगा। जी बेटे, अगर हम नीचे की बात करें तो यहां से क्या आ रहा है, ये एक्स माइनस फोर तो वैसे का वैसे आ रहा है, ये एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री सेम है, इनको एक बार लिख रहे हैं, ये एक्स माइनस थ्री को एक बार लिख रहे हैं, बाकी बार ये एक्स और ये प्लस टू, तो इसको एक्स प्लस टू ये एज सेम वैसे का वैसे ठीक है बेटे। अब जो करता है कार्ड से वो ये करता है बेटे, ये एक्स प्लस टू कैंसिल से कैंसिल हो गया, एक्स माइनस फोर से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, ये एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस थ्री, दरमियान में ये है प्लस टू इंटू एक्स प्लस फोर और नीचे बच जाएगा एक्स माइनस थ्री। जी बेटे बेटे ये भी एक्स माइनस थ्री है, ये भी एक्स माइनस थ्री है, तो इन दोनों के लेने एलसीएम, जब हम इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो ये एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री सेम है, तो लिहाजा इनका जो एलसीएम आएगा वो भी आएगा एक्स माइनस थ्री। ठीक है बेटे, तो ये एक्स माइनस थ्री से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, एक्स प्लस टू प्लस, और ये भी एक्स माइनस थ्री से कैंसिल हो गया, बाकी ऊपर वाला बचा क्या, टू इंटू एक्स प्लस फोर वैसे का वैसे। आगे बेटे देखें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस टू एक्स और प्लस का एट, प्लस का टू एक्स प्लस का, ये नीचे बेटे क्या है एक्स माइनस थ्री, यहाँ से बेटे ये क्या बन जाएगा, ये एक्स और ये टू एक्स थ्री एक्स हो गया, थ्री एक्स प्लस का 10 और नीचे बच जाएगा एक्स का माइनस थ्री। ठीक है बेटे, ये थ्री एक्स प्लस, तो ये बेटे इसके ऊपर हमारे पास है बड़ा आंसर। तो अब हम बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वो है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये ए माइनस वन ओवर ए, जबकि ए की वैल्यू है ए प्लस वन और ए माइनस वन, बट इसको हम करते हैं सोल्व। बेटे जो ए की वैल्यू है वो तो हमें सीधी सारी दे दी गई है, जो कि ए प्लस वन है और ए माइनस वन है, अब हमें चाहिए वन ओवर ए की, तो जो वन ओवर ए की वैल्यू होगी ना, अगर मैं इसको वन ओवर ए पे डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा वन ओवर ए इज इक्वल टू वन ओवर ए प्लस वन और ए माइनस वन। तो बेटे ये जो वन ओवर ए जो आगे जाके हो जाएगा, ये ए माइनस वन ऊपर चला जाएगा और ए प्लस वन नीचे आ जाएगा। देखो बेटे ये ए की, अगर ये ए प्लस वन ओवर ए माइनस वन है तो वन ओवर ए की इसकी दीवार से ए माइनस वन ऊपर है और ए प्लस वन नीचे है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बड़ा ए माइनस वन ओवर ए, ए की वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस वन और ए माइनस वन, दरमियान में है माइनस, और वन ओवर ए की वैल्यू लिखें जो कि ये है ए माइनस वन ओवर ए प्लस वन। ठीक है बेटे, अब इन दोनों का ले लें एलसीएम, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन आ जाएगा। जी बेटे, जब हम ए माइनस वन को इस पे कैंसिल करेंगे तो ए माइनस वन हो जाएगा कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा, ए प्लस वन एक ऊपर है और एक ये वाला इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस और ए माइनस वन ये भी होल का स्क्वायर बन जाएगा। जी बेटे, अब हम इसको खोलें, ए का स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन, ये बेटे पहला स्क्वायर खोल दिया, माइनस ए का स्क्वायर माइनस टू ए
और प्लस वन, ये बेटे दूसरे का स्क्वायर खोल दिया, ये पहले का और ये दूसरे का। नीचे क्या है, नीचे बेटे ए माइनस वन है और ये ए प्लस वन है। अब बेटे माइनस को कर दे मल्टीप्लाई, देखते हैं कैसे। ए का स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन, वैसे का वैसे ए का स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन, वैसे का वैसे। माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस टू ए और ये माइनस का वन। नीचे क्या है, ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन बेटे। देखिए ये ए का स्क्वायर ए के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये प्लस वन ये माइनस के वन से कैंसिल हो गया, कि हमारे पास आंसर बाकी बच गया वो क्या है बेटे, टू ए और टू ए क्या है फोर ए, और नीचे क्या है ये ए का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। क्यों बेटे, ए प्लस वन और ए माइनस वन को हम कहते हैं ए का स्क्वायर माइनस वन। तो ये बेटे आपके क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर ट्राई करते हैं बेटे एट की। हाँ क्वेश्चन नंबर सेवन आपने खुद करना है और क्वेश्चन नंबर एट बेटे मैं करवा देता हूँ।